हेलो एवरीबडी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई एम दिकअ फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सल्यूटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टिश्यूज प्लान एंड एनिमल टिश्यूज तो इस सेशन में हम कवर करेंगे प्लांट सो विदाउट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन अगर हम इस सेल की बात करें तो ये जो छोटा सा सेल है ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो इसीलिए सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बुलाते हैं टिश्यूज़ तो जब टिश्यूज़ एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना काम करते हैं उसी से हमारी बॉडी फंक्शन करती है अगर हम अपनी बात करें या हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल हैं 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 चाहे तो तो ये cellular level पर होते हैं, लेकिन बहुत सारे cells आपस में मिलकर इन functions को perform करते हैं। तो इसी से आ जाती है हमारी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस करेक्ट तो वैसे ही अगर हम देखें तो बहुत सारे टिशूज हैं हमारे पास जैसे कि ये हैं। सो दीज आर द कंडक्टिंग दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ़ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में कंडक्टिंग सेल्स हैं राइट right? तो so, ये सारे के सारे सेल्स आपस में मिलकर एक पूरा टिश्यू बनाते हैं और इन टिश्यू से एक फंक्शन परफॉर्म होता है वैसे ही अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ये स्किन है स्किन इज बेसिकली अ टिश्यू क्या आपको लगता है कि हमारी स्किन सिर्फ एक सेल से बनी है नहीं हमारी स्किन बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है सो द स्किन इज अ टिश्यू जिसका काम क्या है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना वैसे ही मसल सेल्स हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं तो मसल्स का क्या काम है मसल का काम है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना मतलब हमारी सेल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं सो दीज ऑल फंक्शन आर हैपनिंग एट अ सेलुलर लेवल लेकिन बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से ये फंक्शंस हमारे एक्शन में हमारी बॉडीज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सो आई होप दिस इज क्लियर तो हमने पढ़ा कि एक सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिल जा रहे हैं तो ये बना रहे हैं टिश्यूज ये टिश्यूज़ बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिल जा रहे हैं एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे बन रहा है एक ऑर्गन और एक ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यही ऑर्गन्स जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स है वी हैव वी हैव स्टमक वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन से वी हैव इसोफेगस वी हैव माउथ सो ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम तो इससे हमारा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है बताओ कौन से ऑर्गन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर मिलजुल कर ये डाइजेशन का काम कर रहे हैं अब यही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स तो मैंने अपनी बॉडी में बोला कि वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर हमें बना दे रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म और एज अ होल हमारी बॉडी का सारा काम हो रहा है तो शुरुआत कहां से हुई शुरुआत हुई एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से दैट इज सेल सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द प्लांट टिश्यूज तो प्लांट टिश्यूज मतलब वो टिश्यूज जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं तो ब्रॉडली वी डिवाइड प्लांट टिश्यूज इनटू टू कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज द मेरिस्टमैटिक टिशू एंड द सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमैटिक टिशूज कुछ ऐसे टिशूज जो डिवाइड करते रहते हैं मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज हैं इन टिश्यूज में जो सेल्स हैं दे कैन डिवाइड दे कैन मल्टीप्लाई राइट तो दे आर द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज सो द सेल्स मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स तो एक सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेल्स और बन रहे हैं वहीं पर अगर परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं करते हैं और इन इनको हम स्पेशलाइज्ड सेल्स भी बोलते हैं मतलब परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं अब वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं उन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया है और स्पेशलाइज्ड बन गए हैं मतलब कि वो एक काम करने के लिए अब सक्षम है कि अब हम यही काम करेंगे ठीक है सो दीज आर द परमानेंट टिश्यूज नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू जिनको हम डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोल रहे हैं ये क्या है दीज आर द डिवाइडिंग टिशूस इनके पास जो सेल्स हैं दे कैन डिवाइड राइट तो ये कहां पर मिलते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स तो मतलब सेल्स so कहाँ डिवाइड करेंगे सेल्स डिवाइड करेंगे जहां पर मेजिस्टमैटिक सेल्स होंगे और ये सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होगा ग्रोथ होगी तो इसका मतलब है ये हमें प्लांट में वही दिखाई देंगे जहां पर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होती है प्लांट्स में ग्रोइंग टिप्स पर रूट में और शूट्स में ठीक है वैसे ही ये हमें देखने को मिलते हैं बार्क में प्लांट की बार्क में और वुड ऑफ द ट्रीज लीडिंग टू द ग्रोथ इन डायामीटर अब प्लांट कैसे बढ़ता है प्लांट एक तो लेंथ में ऊपर की तरफ को बढ़ेगा और दूसरा उसकी डायामीटर बढ़ेगा स्टेम का तो इसका मतलब है कि स्टेम में और शूट की टिप्स में और रूट जो कि सॉइल में ऐसे एकदम फैलती जा रही हैं राइट तो उनकी रूट्स की टिप्स में भी हमें देखने को मिलता है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज तो तो इस diagram को अगर आप देखो तो ये है हमारी शूट टिप का diagram. किसका है shoot tip है ये तो shoot tip में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें आपको ये एक ग्रोइंग टिप है किसकी स्टेम की तो इस ग्रोइंग टिप में हमें मेरी स्टेम्स दिखाई दे रहे हैं और ये हैं छोटे छोटे एक्सिलरी बर्ड्स तो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ होते हैं एक्सिल पे एक्सिल क्या होता है इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था इफ से से दिस इज द स्टेम और ये नोड है जहां से एक लीफ ओरिजिनेट हो रही है तो ये वाला जो एंगल है से दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ राइट तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सिल और यहां पर जो बड ओरिजिनेट होगा उसे हम क्या बुलाएंगे एग्जलरी बर्ड तो ये लीव्स हैं और यहां पर बर्ड ऑरिजिनेट हो रहा है सो दिस इज द एक्सलरी बर्ड क्लियर तो हमें ग्रोइंग टिप पे हमें मेरे इस टाइम देखने को मिला वैसे ही यहां पर अगर आप देखो सो दिस इज रूट टिप ऑफ अनियन ठीक है तो ये है रूट टिप ऑफ अनियन तो जब इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया तो ये देखा गया कि ये तो सेल डिवीजन के लिए रेडी है तो यहां पर आपको ये देखो क्रोमोजोम्स दिखाई दे रहे हैं सो दीज आर द क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सेंट्रोमियर है और ये सिस्टर क्रोमेटेड है अब जहां पर ये वाली स्टेज है ना दिस स्टेज इज वेयर द क्रोमोजोम्स आर मूविंग अपार्ट दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर राइट तो यहाँ पर दीज आर द सेल्स ये सेल्स के अंदर का न्यूक्लियस है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है दीज़ आर द सेल वॉल्स सो इफ़ यू रिमेंबर जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था तो हमने बोला था कि अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें प्लांट सेल्स बहुत ही क्लियरली देखने को मिलते हैं मतलब उनकी ना वॉल्स जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होती हैं वहीं पर एनिमल सेल्स की इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं वॉल्स ठीक है walls. तो यहाँ पर दीज आर दिस इज द सेल वॉल ये एक एक सेल हमें काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है राइट सो so, आई uh, होप ये पिक्चर भी आपको समझ आई है सो दीज आर द ग्रोइंग सेल्स तो ग्रोइंग सेल्स हैं इसीलिए यहाँ पर हमें सेल डिविजन देखने को मिल रही है सेल डिविजन इट इज वॉट सेल विल डिवाइड तो पहले तो अंदर का कॉन्टेंट डिवाइड करेगा तभी तो सेल डिवाइड होगा राइट right? तो ये रूट टिप का एक छोटा सा सेक्शन था जिसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो हमें कुछ ऐसा सेल डिविजन देखने को मिला क्लियर तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट इस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज तो सबसे पहली चीज़ ये जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं ना मेरिस्टमैटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल ठीक है एक तो ये स्मॉल है दूसरा ये यूजुअली क्यूबिकल होते हैं ठीक है तो क्यूब कैसा होता है समथिंग लाइक दिस तो ये हमें ना कुछ ऐसे से देखने को मिलते हैं जैसे क्यूबिकल से ठीक है दूसरा इनकी सेल वॉल थिन होती है तभी ये इजीली डिवाइड हो पाते हैं देन न्यूक्लिया इज लार्ज जो अंदर न्यूक्लियस हम देख रहे हैं सेल के अंदर इट इज क्वाइट लार्ज द वैक्यूल इज ऑलमोस्ट एब्सेंट वैक्यूल का काम क्या है का काम है फूड को स्टोर करना न्यूट्रिएंट्स को वाटर को स्टोर करना ठीक है तो ये डिवाइडिंग सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं ये कॉन्टिन्यूसली अपना जो भी फूड मटेरियल है उस सबको कंज्यूम करते जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टोरेज हमें नहीं चाहिए क्लियर तो यहां पर क्या है जो वैक्यूल है ना वो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होता है क्योंकि उन्होंने सारा खाना खुद खा लिया होता है मेरिस्टमेटिक सेल्स में नाउ नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट नो इंटर सेलुलर स्पेसेस तो अगर आप सेल्स के बीच में देखोगे ना तो सेल्स के बीच में देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस तो आपको सेल के बीच में स्पेसेज नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है द नेक्स्ट इज सेल्स डिवाइड एक्टिवली तो सेल्स काफ़ी फास्ट पेस पर डिवाइड करते हैं ठीक है और सेल न्यू सेल्स आप प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू मिच्योर परमानेंट टिश्यू तो अब मेच्योर परमानेंट टिश्यू आते कहां से हैं वो यहीं से आते हैं तो यही मेरिस्टमैटिक सेल्स जब यंग होते हैं सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग दे कीप ऑन ग्रोइंग देन दे डिवाइड और धीरे धीरे यहीं से कुछ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन चूज कर लेते हैं जहाँ पर वो होते हैं उसके हिसाब से और फिर वो रिटायर हो जाते हैं सेल डिविजन से देन दे बिकम द परमानेंट टिश्यूज दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन इज apical और टर्मिनल मेरिस्टेम तो अपाइकल या टर्मिनल तो so, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये स्टेम है तो इसके टॉप पर कौन सा मेरिस्टेम होगा अपाइकल मेरिस्टेम जो टिप पर होगा ठीक है तो ये जो टिप वाला मेरिस्टेम है ना इसको हम टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोलते हैं या अपाइकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं तो क्योंकि ये एपेक्स पे होता है रूट और शूट की टिप्स पे होता है सो दिस इज वॉट आई हैव शोन यू द शूट राइट वैसे ही अगर आप इस प्लांट की रूट्स भी बनाओगे तो रूट्स की टिप्स पे भी आपको अपाइकल मेरिस्टेम ही देखने को मिलेगा तो अब देखो अगर कहीं पर अगर यहाँ पर मेरिजैम है तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर सेल डिविजन हो रहा है काफ़ी फास्ट तो क्या होगा एक तो शूट की लेंथ बढ़ रही है और दूसरा क्योंकि रूट के टिप्स में भी है तो रूट्स की लेंथ भी बढ़ रही है क्लियर सो दीज आर द मेरिस्टेम्स द अपाइकल और द टर्मिनल मेरिस्टेम्स ठीक है ये हमें यंग ग्रोइंग लीव्स में भी देखने को मिलते हैं तो जो लीव्स होते हैं उन्हीं में अपाइकल मेरिस्टेम होता है और यहाँ पर भी सेल डिविजन काफ़ी फास्ट होती है जिससे लीव का साइज बढ़ता है द सेकेंड वन इज द लेट्रल और द कैम्बियम मेरिस्टेम तो ये हमें बार्क में प्लांट्स की ट्रीज की बार्क में देखने को मिलते हैं तो जब ये बार्क में होंगे तो ये क्या करेंगे ये उस पर्टिकुलर प्लांट की गर्थ को या डायामीटर को बढ़ाएंगे और अपाइकल मेरिस्टम क्या करेगा ये लेंथ को इनक्रीज करेगा किसकी प्लांट की लेंथ को इनक्रीज करेगा और लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टम क्या करेगा उसके डायामीटर को बढ़ाएगा ठीक है सो आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज द द नेक्स्ट कम्स इज परमानेंट टिश्यू तो प्लांट्स में दो मेन कैटेगरीज हैं टिश्यूज की द वन फर्स्ट वन इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमैटिक तो हमने बोलिया कि काफी यंग है काफी एक्टिव है एकदम जोश में है फटाफट से डिवाइड कर रहे हैं एकदम एक्टिव पोजिशन में है वहीं पर परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं कि अब वो ओल्ड हो गए हैं अब उनका क्या काम है अब उनको आराम से रिलैक्स करना है और उनको एक ही काम करना है उनको मल्टीटास्किंग करनी ही नहीं है सो दे आर द परमानेंट इशूज सो दे आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड तो जब हम टिश्यूज की भी बात कर रहे हैं ना तो टिश्यूज किससे बने हैं सेल से बने हैं तो बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट द सेल्स तो यहां पर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्होंने अपने डिविजन की कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है अब उनको डिवाइड नहीं करना है नाउ दे हैव टेकन सम परमानेंट शेप एंड अ पर्टिकुलर फंक्शन तो अब वो उन्होंने बोला कि हम हैं इंटेस्टाइन में तो नहीं sorry, हम नहीं सॉरी इंटेस्टाइन हम ले सकते अब उन्होंने बोला कि हम हैं प्लांट के कैम्बियम में और हमने क्या किया है हमने एक पर्टिकुलर शेप ले लिया हमने ऐसा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है अब हम इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से कर क्या सकते हैं हम इससे वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो बस ऐसे ही वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं और जहाँ पर वो होते हैं उसके हिसाब से अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं यहाँ के सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी तो लिविंग तब होंगे जब इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहीं पर नॉन लिविंग ये तब होंगे जब इनके न्यूक्लियस नहीं होगा क्लियर तो नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज तो परमानेंट टिश्यूज को भी हमने क्लासिफाई किया है और इनको क्लासिफाई किया है हमने थ्री कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म तो जैसे ही आप नाम सुनोगे ना आपको उनका फंक्शन समझ आ जाएगा तो so, सबसे पहले है प्रोटेक्टिव टिश्यूज तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है इनका काम है प्रोटेक्शन देना प्लांट को ठीक है दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू कुछ ऐसे टिश्यूज जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं ठीक है सिंपल लास्ट वन इज द कंडक्टिंग टिश्यूज कुछ ऐसे टिश्यूज जो एक प्लांट के अंदर कंडक्शन में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल्स को कंडक्ट करना वाटर को मिनरल्स को फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना लेकर जाना या भेजना ये काम करते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज ठीक है तो अब यहां पर ना हम इनको एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं सो आई टेल यू दैट सबसे पहले है प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग टिश्यूज तो हम इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज बुला सकते हैं ठीक है और कंडक्टिंग टिश्यूज को हम बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशूज राइट right? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो अब आप बोलोगे कि ये सिंपल क्यों और परमानेंट क्यों मतलब ये नाम क्यों लिए गए हैं तो इन नामों को लेने, लेने का ना बहुत ही सिंपल रीजन है वो ये है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह के सेल से बने होते हैं सो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल ठीक है सेल्स तो टिश्यू है तो टिश्यू बना होगा ग्रुप ऑफ सेल्स का तो अब ये जो ग्रुप है ना सेल का वो एक ही तरह के सेल्स होंगे दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब कि यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ठीक है तो मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने हैं तो अब जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को या कंडक्टिंग टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बुला क्यों रहे हैं तो कंडक्टिंग टिश्यू जैसा कि हम ऑलरेडी इसको क्लास सेवन में भी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो कंडक्टिंग टिश्यूज ये वो टिश्यूज होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को और फूड को कंडक्ट करते हैं तो इसमें आते हैं कौन से जाइलम एंड फ्लोएम तो यहां पर नहीं डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हर एक तरह के परमानेंट टिश्यू को हम डिस्कस करते हैं सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रोटेक्टिव टिश्यूज तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज कैसी तरह के टिश्यूज होते हैं दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज तो कुछ ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरह के सेल्स से बने हैं तो दे हैव द सेल्स विच हैव थिक वॉल्स अराउंड देम एंड दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रूट स्टेम और लीव्स तो सोचो अगर एक कोई भी एक टिश्यू है अगर उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देना तो वो कहां पर होगा तो वो सरफेसेस पर ही होगा जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी स्किन है ना ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है इसका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ऐसे एंटर ना कर जाए तो ये प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को तो इसलिए बोलते हैं ना कि अगर कहीं पर घाव हो जाए मतलब कहीं पर कट लग जाए तो उसको प्रॉपरली हमें क्लीन कर लेना चाहिए हो सकता है वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारी स्किन के अंदर चले जाए हम बीमार हो जाए तो उसी तरह का काम यहां पर प्रोटेक्टिव टिश्यूज कर रहे हैं इन द प्लांट्स तो वो भी जैसे रूट रूट के ऊपर होंगे स्टेम में होंगे लीव्स में होंगे तो अगर आप लीव्स को देखो ना तो लीव्स के ऊपर जब हम लीव्स को टच करते हैं ना तो हमें एक वैक्सी वाटरप्रूफ प्रूफ लेयर देखने को मिलती है मतलब एक ऐसी लेयर होती है एक वाटर प्रूफ सी लेयर होती है तो अगर पानी भी आप लीफ के ऊपर फेंकोगे ना वो एकदम से बह जाता है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है ठीक है तो ये जो लेयर है ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी पानी इट विल फ्लो अवे और वो ड्राई हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा लीफ के सरफेस से सो दीज आर द लेयर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ वैसे ही अगर हम एक बार्क की बात करते हैं तो बार्क में होते हैं कॉर्क सेल्स मतलब अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉर्क सेल्स बोलते हैं इन कॉर्क सेल्स में भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं जो इस बार्क को, को या ट्री को या उसकी स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सो लेट इस नाउट टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द सपोर्टिंग टिश्यू तो एक ऐसा टिश्यू जो सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तीनों टिश्यूज ये तीन टाइप के टिश्यूज हैं हमारे पास सपोर्टिव टिश्यूज सो द फर्स्ट वन इज पैर कायमा देन कॉलन कायमा एंड स्कैरन कायमा तो एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूं क्योंकि जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे ना तो उस टाइम क्या होगा कि वी विल बी लोडेड विद द इंफॉर्मेशन मतलब पेरिनकाइमा कॉलिन स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है एक छोटी सी चीज़ जो यही क्लियर हो जाएगी वो ये कि पैरिन और कॉलिन कायमा है लिविंग सेल्स ठीक है ये लिविंग टिश्यूज हैं बेसिकली और स्कलेरिन डेड टिश्यू होता है ठीक है तो ये बात यहीं से हमने समझ ली है आपने भी समझ लिया ना बस इसको ध्यान रखना है ठीक है आगे मैं बताऊं ना बताऊं बट आपको याद रहना चाहिए तब तो इसके आगे बढ़ते हैं हम हर एक तरह के टिश्यू को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू दैट इज पैरेंटकाइमा तो पेरेंट के जो सेल्स हैं वो काफी बड़े होते हैं देखने में और उनकी वॉल्स थिन होती हैं तो ये पैरनकाइमा सेल्स हैं सो यू कैन सी ये थिन वॉल्स हैं और सेल्स जो हैं उनका साइज काफी बड़ा है देखने को देन दे आर आइदर सर्कुलर और ओवल और पॉलीगोनल इन शेप ठीक है तो शेप इनकी चाहे मतलब ये गोल से आपको एक गोल वाली जो शेप है ना वैसा ही कुछ दिखेगा कुछ गोल होंगे कुछ ओवल होंगे कुछ पॉलीगोनल होंगे नाउ दे हैव अ लार्ज सिंगल वेक्यूल तो मोस्टली जितने भी पैरेन्काइमा सेल्स होंगे उनमें उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा एक बड़ा सा वेक्योल देखने को मिलेगा इनसाइड द सेल तो एक ही होगा और बड़ा सा होगा ठीक है मोस्ट ऑफ द पैरेंट का दे आर फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि जो आउटर रीजन जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा और सेंट्रल पिथ रीजन में जो अगर हम ये एक मैंने स्टेम काटी है मतलब एक ट्री को बीच से ऐसे काट दिया है ठीक है तो यहाँ रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा काइमा सेल्स देखने को मिलेंगे अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं जैसे कि पटेटो है वो क्या करते हैं दे स्टोर फूड उनका फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का जैसे आप यहां पर देखो नाउ देसो प्रोवाइड टेम्परेरी दे सपोर्ट टू तो द प्लांट इनका काम सिर्फ खाना स्टोर करना ही नहीं है इनका काम और क्या है इनका काम सपोर्ट देना भी है तो जैसे हमने इनको कैटेगराइज किया है अंडर सपोर्टिव टिश्यूज तो ये प्लांट को सपोर्ट देने का भी काम करते हैं वहीं पर जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते, है, होते हैं पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसमें क्या होगा सो दे विल हैव क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल है मतलब कि दे आर कॉल्ड एज कॉल इनकाइमा सेल्स कुछ ऐसे सेल्स जो क्या करेंगे दे विल परफॉर्म फोटो सिंथिस ठीक है तो इनका काम होगा फोटोसिंथेसिस भी करना तो देखो हमने तीन फंक्शंस निकाल दिए पैर काइमा सेल्स के तो एक तो सिंपल ही था कि ये सपोर्टिव टिश्यू है तो सपोर्ट तो ये देगा ही बाकी जहां पर फ्लोरोप्लास्ट होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी और कुछ जैसे पटेटो है तो पटेटो में जो पेरेंट काइमा सेल्स होते हैं दे स्टोर स्टार्च इन देम। क्लियर तो आई होप द पेरेंट काइमा सेल्स आर क्लियर टू यू तो अब अगर आप यहां पर देखो तो आपको थिन वॉल्स ही देखने को मिलेंगी और बीच में एक बड़ा सा

ठीक है मतलब इनकी विर्थ उतनी नहीं है जितनी इनकी लेंथ है सो दे आर द इोंगेटेड सेल्स विथ थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर्स तो कॉर्नर्स अगर इनके देखो तो काफ़ी थिक कॉर्नर्स हमें देखने को मिलेंगे देन वेयर आर दे फाउंड वेर वेयर डू वी फाइंड दीज लीफ सॉरी दीज कॉलिन काइमा सेल्स तो अगर हम एक लीफ ड्रॉ करें ठीक है तो ये जो लीव की स्टॉक होती है ना यहाँ पर आपको कॉलन काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं दूसरा अगर मैं एक स्टेम ले लूँ तो स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं वो कॉलन काइमा सेल्स ही होते हैं और इनका फंक्शन क्या है तो सीधी सी बात है इनका फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट देना ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर तो कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस क्लेरिन कायमा टिश्यू तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्लेरन कायमा जो होता है वो कैसे सेल्स होते हैं दे आर द डेड सेल्स अब ये कैसे होते हैं दे आर लॉन्ग सेल्स लॉन्ग एंड नैरो सेल्स ठीक है तो लंबे होते हैं लेकिन नैरो होते हैं दे हैव थिक सेल वॉल और उस थिक सेल वॉल में देअर इज डेपोजिशन ऑफ लिगनिन तो अगर आप लिजनिन कहीं भी पढ़ोगे ना तो आप यही पढ़ोगे कि ये प्लांट टिश्यूज बनाता है प्लांट के टिश्यूज में हमें देखने को मिलता है ठीक है सो दे आर वेर आर दे फाउंड सो दे आर फाउंड इन द स्टेम एंड द वेन्स ऑफ लीव्स तो लीव्स की वेन्स में आपको स्क्लेरन गाइमा देखने को मिलेगा और इसका क्या काम है बताओ जल्दी से सबको पता है इसका क्या काम है इसका काम है प्लांट को स्ट्रेंथ देना ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्कलैर टिश्यू के तो आपने रस्सी रोप तो देखी ही होगी फिर आपने कुछ मैट कुछ ऐसे देखे होंगे जो ऐसा लगता है कि आ, थ्रेड के बने हैं राइट तो उसमें कुछ फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं सो बेसिकली वॉट आर दे आर स्कलैरनकाइमा फाइबर्स उन्हें हम फाइबर्स बुलाते हैं और ये स्क्लेरन कायमा सेल्स के ही बने होते हैं दूसरे हैं कुछ ऐसे स्क्लेनकाइमा सेल जैसे कि अखरोट सबने देखा है वॉलनट तो वॉलनट का जो बाहर का हार्ड वाला शेल होता है ना दैट इज ऑल्सो स्क्लेरिनकाइमा सेल्स और हम इन्हें बुलाते हैं स्टोन सेल्स राइट वैसे ही कुछ पियर का जो पल्प होता है दैट इज ऑल्सो स्क्लेर कामा क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द स्लेरन कामा टिश्यूज नाउ कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यूज तो ऐसे टिश्यूज जो कंडक्शन का काम करते हैं इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज वैस्क्यूलर टिश्यूज ठीक है तो इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बुलाते हैं तो ये एक तरह से एक पैसेज देते हैं फॉर वॉटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट्स ठीक है यहां पर हम फ़ूड भी मेंशन करेंगे तो वाटर मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पैसेज देते हैं देन देर आर बेस्ड मेनली टू टाइप्स ऑफ दीज कंडक्टिंग टिश्यूज सो द वन जाइलम एंड अदर वन इज़ फ्लोएम तो जायलम का हमें पता है सो इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वेयर एज फ्लोएम की बात करें तो ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं तो ये एक क्रॉस सेक्शन है एक स्टेम का जहाँ पर हमें दोनों ही देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर हमें फ्लोइम भी देखने को मिल रहा है और बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है जाइलम ठीक है तो ये जो दोनों ही टिश्यूज होते हैं ना वैस्कुलर टिश्यूज ये आस पास होते हैं क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे ना तब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करता है कैसे जाइलम फ्लोएम की हेल्प करता है फूड के कंडक्शन में क्लियर तो यहाँ पर ये हैं है पेरनकाइमा सेल्स ठीक है बीच में हमें जाइलम और यहां पर फ्लोएम देखने को मिल रहा है तो अगर हम इसको थोड़ा साइड से देखें सो दिस इज फ्लोएम एंड दीज आर द जाइलम टिश्यूज ठीक है और यहाँ पर यह हमें डेड सेल्स या डेड टिश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं दैट इज द कैमा क्लियर तो ये हमें समझ आया तो आगे बढ़े जहां पर हम दोनों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले जाइलम तो जाइलम क्या है जाइलम के जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ठीक है लंबे होते हैं तो कई ऐसे टेपरिंग होंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे सो दैट वी विल डिस्कस तो दीज आर द इोंगेटेड सेल्स विद थिक सेल्स थिक सेल वॉल ठीक है एंड रिमेंबर यहां पर भी एक और चीज ध्यान रखनी है कि जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम टिश्यू जो है वो डेड टिश्यू है क्लियर ये वो टिश्यू है जो डेड सेल्स से बना है द नेक्स्ट थिंग इज दिस प्रोवाइड्स अ ट्यूबुलर पैसेज तो मतलब ये एक ट्यूब एक पाइप देखी आपने पाइप अगर एक मान लो एक टेन फ्लोर की कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में पानी कैसे जाता है तो एक के बाद एक पाइप को जोड़ जोड़ के हर एक घर तक पानी पहुंचाया जाता है ठीक है तो ऐसा तो होगा नहीं कि जितना टेन फ्लोर की लेंथ है उतनी लंबी कोई पाइप होगी नहीं तो यहाँ भी जो पैसेज होता है ना वो ट्यूब जैसा पैसेज होता है और एक के साथ एक जाइलम वैसे जुड़ कर पानी की कंडक्शन में की कंडक्शन कराते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे ट्रीज भी देखे हैं जो छोटे हैं कुछ छोटे चुछ छोटे प्लांट्स भी देखे हैं थोड़े बड़े भी देखे हैं और कई हमने बहुत लंबे हंड्रेड हंड्रेड मीटर्स के ट्रीज भी देखे हैं तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही वेसल नीचे से ऊपर तक होता होगा होता एक ही तरह का है लेकिन बहुत सारे ट्यूब्स जुड़कर एक पूरा पैसेज बना देते हैं तो दे प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स एबजॉर्व इन द सॉयल बाय रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है तो बहुत सारे एलिमेंट्स uh, जुड़कर क्या बनाते हैं एक पैसेज बना देते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो इसको अगर हम देखें तो एक जो पुराना ज़ाइलम होता है मतलब एक यंग ज़ाइलम होता है एक ओल्ड जाइलम होता है तो जो ओल्ड ज़ाइलम टिश्यू होता है उससे बनती है वुड ठीक है एंड इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट तो जो वुड है ना वुड बनी होती है जाइलम टिश्यू की और यहां पर वुड का काम कंडक्शन करना नहीं है वुड को वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कराना है क्लियर नाउ द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटर्मेंड बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स विच आर द जाइलम रिंग्स तो अगर हमें किसी भी ट्री की एज पता करनी है तो हम क्या करेंगे हम उसके ये एनुअल रिंग्स जिन्हें हम जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं हम उनको सिंपली काउंट करेंगे क्लियर तो इतनी सी बात समझ आई तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में जो आप ट्री देख रहे हो मतलब ये हमने क्या किया है ये हमने ऐसे वुड काट दिए पेड़ ऐसे को काट दिया है अब हमारे पास एक सेक्शन रह गया है जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पेड़ की एज कितनी होगी तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर तीन कॉन्सेंट्रेट रिंग्स हैं वन देन दिस वन इज टू एंड लास्ट वन दैट इज थ्री तो बेसिकली ये जो हमारा पेड़ है ये सिर्फ और सिर्फ तीन साल पुराना पेड़ है ठीक है तो इन्हीं रिंग्स को काउंट करके हमें क्या पता चल जाता है एक ट्री की एज जैसे हम बोलते हैं ना कि आ, कुछ ट्रीज जो है वो हंड्रेड इयर्स तक रहते हैं हंड्रेड से भी ज़्यादा तीन सौ तीन सौ साल पुराने पेड़ तो वो कैसे पता चलता है वो पता चलता है उनके एनुअल रिंग्स है जिन्हें जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं तो ये रिंग्स कौन बना रहा है सो दीज रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द जाइलम टिश्यू क्लियर तो आई होप दिस मच इज क्लियर कोई डाउट है तो आप आस क्वेश्चन सेक्शन में आओ और प्लीज अपना डाउट पूछो ठीक है तो हम बड़े फिर आगे नेक्स्ट देखें अपना नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड क्या पढ़ने वाले हैं अब हम अब हम पढ़ने वाले हैं क्या डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू नाउ द कॉम्पोनेट्स ऑफ जाइलम टिश्यू सो बेसिकली देर आर फोर कॉम्पोनेंट्स द फर्स्ट वन इज ट्रेकिड्स देन वेसल्स इमा एंड जायलम फाइबर्स तो ट्रेकिज और वेसल्स को मिला के हम बोलते हैं ट्रेक्यलीमेंट्स ठीक है इनको ट्रेक्य एलिमेंट्स भी बुलाते हैं और जाइलम है और जाइलम जायल पैरेंकाइमा है और जाइलम वेसल है सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दीज आर द ट्रेकिड्स एंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो पानी का कंडक्शन है जो वाटर का कंडक्शन है दैट इज मेनली डन बाय ट्रेकिड्स एंड वेसल्स ओके okay. तो so, अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें ना छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं सो स्मॉल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिज एंड दूसरा आपको यहाँ पर परफोरेश कुछ प्लेट्स परफोरेशन भी देखने को मिलती हैं और ऐसे कुछ रिंग्स भी देखने को मिलते हैं द जाइलम एलिमेंट्स क्लियर द फर्स्ट

एक ट्रेकिड जो है वो दूसरे ट्रेकिड के साथ ऐसे प्लेस्ड होता है फिर थर्ड आता है तो ये क्या होते, होते हैं प्लेस्ड एंड देयर वॉल्स आर हाईली लिग्निफाइड जो सेल वॉल होते हैं उसमें लिगनिन होता है होता है बहुत सारा क्लियर नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को बाय डेवलपिंग वेरियस

विच आर प्लेस्ड एंड टू एंड और इनकी सेल वॉल भी थोड़ी हार्ड होती है थिक होती है और लिजन से बनी होती है सो दे हैव द ट्रांसफर ट्रांसवर्स वॉल्स दैट गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कॉन्टिन्यूस पाइप ठीक है तो इसमें क्या होता है ये कुछ ऐसी पाइप्स होती हैं ठीक है तो ये पाइप एंड टू एंड जुड़ी होती है तो अब क्या होगा कि दो पाइप हैं तो उनके बीच में क्या होगा इधर भी एक वॉल होगी लेकिन ये वाली जो वॉल है ना ये डिजोल्व हो जाती है और अब ये कॉन्टिन्यूस पाइपलाइन बना देती है तो हमने जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखी अगर मान लो एक टेन स्टोरी बिल्डिंग है तो टेन स्टोरी बिल्डिंग के जितनी लंबी तो हमारी कोई पाइपलाइन बनेगी नहीं ठीक है मतलब एक सिंगल लेंथ की तो उतनी लंबी होगी नहीं हमें अलग अलग छोटी छोटी पाइप्स को जोड़ के उतनी लंबी पाइप बनानी पड़ेगी ताकि पानी नीचे से ऊपर ही ऊपर से नीचे जा सके जहां भी उसको जाना है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि हम बहुत सारी पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं वेसल्स को और ये जो वेसल्स होती है ना इनके बीच में जो सेल वॉल होती है मतलब साइड्स की वैसे ही रहेगी लेकिन जो यहाँ पर वॉल है ना वो डिजोल्व होके एक कॉन्टिन्यूस पाइपलाइन बना देती है द नेक्स्ट कम्स इज द जाइलम पैरनकाइमा तो इसका काम क्या है सो इट इज ए लिविंग पैर से सर्व एज द फूड स्टोरेज तो एक काम तो इनका ये हो गया फूड की स्टोरेज करना और दूसरा काम है इनका कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने कौन सा देखा था ट्रेकिट तो ट्रकी का काम था एक मकैनिकल सपोर्ट देना उसके बाद हमने देखे जाइलम वेसल्स तो जाइलम वेसल और जाइलम पेरनकाइमा का हमने क्या काम देखा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ठीक है नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट टाइप ऑफ द जाइलम कंपोनेंट दैट जाइलम फाइबर तो जाइलम फाइबर बने होते हैं डेड काइमा सेल से इनकी वॉल्स भी जैसे कि बाकी कंपोनेंट्स की वॉल्स हैं इनकी वॉल भी थिक होती है लॉन्ग होती है नैरो होती है द टेपरिंग एंड्स ठीक है तो एंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं ऐसे बंद होते हुए ठीक है so तो इसका मतलब है कि जो ट्रेकिड्स हैं और जो फाइबर्स हैं इनका काम है सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना और मेन कंडक्शन का काम कौन करेगा मेन कंडक्शन का काम करेंगे ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज फ्लोइम तो फ्लोइम का क्या काम है फ्लोइम इज अगेन अ कंडक्टिंग टिश्यू और अ वैस्कुलर टिश्यू जिसका काम है पासेज डाउनवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट और फूड विच इज मैनुफैक्चर बाय द लीव्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है नाउ दे प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ठीक है एक तो खाना ऊपर बना है तो ऊपर से नीचे भी आएगा और हो सकता है कि खाने की जरूरत जहां बना है उससे ऊपर भी हो तो यहां पर पानी जो खाने का मूवमेंट है ना वो दोनों तरफ है तो अगर हम जाइलम की बात करें ठीक है और फ्लोइम की बात करें यहां पर तो जाइलम और फ्लोइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि केस ऑफ जाइलम द फ्लो इज यूनिक डायरेक्शनल ठीक है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो है मतलब पानी जो है वो नीचे से ऊपर को ही जाएगा वहीं पर फ्लोएम के केस में क्या है द फ्लो इज बाय डायरेक्शनल मतलब कि पानी कि खाना ऊपर भी जाएगा और खाना नीचे भी जाएगा क्लियर तो ग्रोइंग uh, जो नए लीव्स होंगे उनमें भी जाएगा ग्रोइंग टिप्स जो होंगे रूट्स के वहाँ भी जाएगा ग्रोइंग शू टिप्स होंगे वहाँ पर भी जाएगा नाउ एज वी डिस्कस द कॉम्पोनेट्स ऑफ जाइलम सो अगेन वी हैव फोर कॉम्पोनेट्स हेयर फ्लोइम के कॉम्पोनेंट्स सो दैट इज सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स पैरेंग सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स तो इनको हम फ्लोएम पैरेंग भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे है न, जहां हैं ना जहाँ पर परफोरेटेड वॉल्स हैं दीज आर बेसिकली द सीव ट्यूब्स ठीक है ये सीव सेल्स हैं और ये सीव ट्यूब्स हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो जो वॉल्स है ना एंड वाली वो परफोरेटेड है मतलब पूरी डिजोल्व नहीं हुई है लेकिन परफोरेटेड वॉल्स है पोर्स हैं इन वॉल्स में इनके आसपास हमें ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं ियन these सेल्स these एक तरह से इनके फ्रेंड्स हैं शायद जो कि फूड के कंडक्शन में इनकी हेल्प करेंगे द नेक्स्ट वन इज द फ्लो एम पैर का आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं विद्यूक्सम दीज आर द फ्लो एम पैरें ठीक है तो समझ आ गया सो सेम इज ओवर हिस्सो दीज आर दीफ प्लेट्स सीफ पिट्स सो दिस इज दीफ प्लेट जहां पर हमें ये पोर्स देखने को मिल रहे हैं नाउ कंपेनियन सेल्स और साइड में क्या है फ्लोएम पैर क्लियर तो अब हर एक कॉम्पोनेंट को डिस्कस करना तो बनता है तो सबसे पहले sieve tubes. Sieve tubes है सीव ट्यूब्स सीव ट्यूब्स कैसे हैं ऐसे पाइप जैसे ठीक है तो वो एक मतलब एक ट्यूबुलर पैसेज बना रहे हैं सो दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर प्लेसड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब नाउ दे आर ट्रांसवर्स दे फॉर्म परफोरेटेड वॉल्स विच आर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स ठीक है तो ये सीफ प्लेट्स बना देते हैं ये परफोरेटेड वॉल से नाउ देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड विच इज प्रिपेर बाय द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन एक तो जहां पर खाना स्टोर करना है और बाकी जगह जहाँ पर खाने की जरूरत है तो अब ऐसा तो नहीं है कि खाना जो पूरा प्लांट ने बनाया है वो उसको उसी टाइम यूज करना है तो खाना तो एक्स्ट्रा भी बन रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट में तो कुछ खाना जो है वो स्टोर हो जाएगा और बाकी जहाँ चाहिए वहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये जो सारा ट्रांसपोर्ट का काम है यहाँ पर ये कौन करेगा सो दिस विल बी डन बाय सीव ट्यूब्स क्लियर द नेक्स्ट वन इज द कंपेनियन सेल्स तो इनके ही कुछ फ्रेंड्स हैं सो दे आर द लिविंग पैरेंट सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब सेल्स एंड देयर फंक्शन इज टू हेल्प द सीव ट्यूब्स इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन कंपेनियन का मतलब क्या होता है साथी है ना तो so, यहाँ पर भी दे आर कंपेनियंस ऑफ सीव ट्यूब सेल्स तो ये उनके ही पास है और क्या कर रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं फूड के कंडक्शन में सिंपल है ये दोनों समझना है ना तो अब आगे बढ़ते हैं द थर्ड टाइप इज़ द फ्लोइम पैरनकाइमा तो फ्लोइम पैरनकाइमा ये जो टिश्यूज हैं वो भी फ्लोएम के टिश्यूज हैं पैरनकाइमा टिश्यू है जो फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड है बेसिकली सो दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज अब हमने जब पैरनकाइमा शुरू में पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने कि पैरन कैमा ना कहीं पर वो फूड स्टोरेज करते हैं कहीं पर उनका मन किया तो अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं ठीक है और कहीं पर एक और फंक्शन था सपोर्ट देना तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये खाने को स्टोर करने का काम कर रहे हैं सो so यहाँ पर फैट्स और ऑर्गेनिक फूड को भी स्टोर किया जा रहा है ठीक है सो दिस इज़ द फंक्शन दैट इज़ परफॉर्म बाय फ्लोएम पैरेंट ओके नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द फ्लोएम फाइबर्स तो फ्लोएम फाइबर्स ये भी स्क्लेरन कायम सेल्स हैं जैसे कि जाइलम फाइबर लास्ट में पढ़े थे यहाँ फ्लोएम फाइबर भी हम लास्ट में ही पढ़ रहे हैं तो दोनों स्क्लेरन काइमा सेल्स से बने हुए हैं जो फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड है मतलब ये स्क्लेरन के ही सेल्स हैं डेड सेल्स हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड हैं जो किसके साथ यहाँ पर फ्लोइम के साथ और जाइलम टिश्यू में जाइलम के साथ एसोसिएटेड है सो देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट वहाँ पर भी वो सपोर्ट ही दे रहे थे यहाँ पर भी इनका काम है सपोर्ट देना ठीक है तो ये एक कॉम्पोनेंट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ही ऐड कर दिया है दोनों में याद रखने के लिए कि दोनों के चार चार कॉम्पोनेंट बना दो एक जाइलम फाइबर जोड़ दो एक फ्लोइम फाइबर जोड़ दो दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बने हैं मतलब दोनों ही बेसिकली स्क्लेरन गाइमा सेल्स हैं जो एक जाइलम के साथ जुड़ा है एक फ्लोएम के साथ जुड़ा है और दोनों का क्या काम है सपोर्ट देना ओके सो आई होप दिस मच इज क्लियर अब आपने कई बार देखा होगा कि वेंस देखी हैं आपने लीव्स देखी होंगी सो so लीव्स में क्या होती हैं ऐसे वेंस होती हैं तो ये जो वेंस होती हैं लीव्स की ये भी एक तरह के वैस्कुलर बंडल होते हैं तो जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम क्या बुलाते हैं वैस्क्युलर बंडल्स ठीक है कौन होते हैं वैस्कुलर बंडल्स प्लस फ्लोएम टुगेदर आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स कंटिन्यूटी विद द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टेम एंड रूट तो अगर इनका काम क्या है कंडक्शन करना तो ये स्टेम और रूट्स के साथ एक कंटिन्यूटी में बने रहते हैं मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अगर हम जाइलम की बात करें तो रूट से शुरू होगा वो और वो टिप तक जाएगा टॉप वाले टिप तक क्योंकि पानी सब जगह चाहिए ठीक है, है तो वैसे ही फ्लोइम जो है वो भी बहुत ही टिप टू टिप वो पूरा ऐसे फैला होता है प्लांट्स के अंदर ओके नाउ लेट डू अ क्विक ऑफ प्लांट तो हमने दो तरह के प्लांट इश्यूज पढ़े हैं सो द फर्स्ट वन इज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है तो परमानेंट टिश्यूज़ कुछ ऐसे टिश्यूज जिन्होंने अब अपनी एक पर्टिकुलर शेप ले ली है और एक पर्टिकुलर फंक्शन अब वो परफॉर्म करेंगे और मेरिस्टोमैटिक टिश्यू मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज जो टिप्स पे हमें देखने को मिलेंगे जहां पर जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है और प्लांट की या तो लेंथ बढ़ेगी या तो उसका डायामीटर बढ़ेगा तो परमानेंट टिश्यूज को हमने फर्दर तीन में क्लासीफाई किया था तो जैसा इनका नाम था वैसा इनका काम था तो फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्शन का दे रहे थे सो द नेक्स्ट वन वॉज सपोर्टिव टिश्यू जो सपोर्ट कर रहे थे प्लांट्स को द लास्ट वन वॉज कंडक्टिंग टिश्यूज जो कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे किसकी कंडक्शन में मिनरल्स की और वॉटर की तो सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यूज ही लिख लेते हैं दैट इज एंड फ्लोएम ठीक है तो जाइलम पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा एंड विल कंडक्ट फूड ठीक है नाउ द सपोर्टिव टिश्यूज सपोर्टिव टिश्यूज हमने तीन तरह के पढ़े थे सो द फर्स्ट वन इज पैरिन कायमा दे कॉलिन कायमा एंड द लास्ट वन इज स्क्रिन कायमा ठीक है तो ये हैं हमारे तीन तरह के सपोर्टिव टिश्यूज टेक वन क्वेश्चन सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन प्लांट्स तो कौन से है बिल्कुल नहीं ये तो एक्टिवली डिवाइड करते हैं लिविंग सेल्स जो स्टोरेज का भी काम करती है सपोर्ट भी देती है और फोटोसिंथसिस भी करती है देन कॉलिनकाइमा नो नॉट कॉलेनकाइमा ये भी लिविंग टिश्यूज हैं बट स्क्लेरिनकाइमा ये स्लेरिन कामा आर द डेड टिश्यूज ठीक है तो आगे बढ़े नेक्स्ट वन इज नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज फाउंड फर्स्ट एट द टिप्स ऑफ प्लांट रूट प्लांट रूट की टिप्स पे कौन से कौन सा टिश्यू होता है टिप्स पे हमें देखने को मिलता है मेरी स्टेम तो लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट सबसे कम स्पेशलाइज टिश्यू प्लांट में कहा पर होता है सो दो दे आर फाउंड इन वेर आर दे लोकेटेड दे आर लोकेटेड इन द स्टेम रूट्स एंड फ्रूट्स ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर इन्होंने अपना एक काम कर लिया है कि इनको क्या करना है इनको स्टार्च को स्टोर करना है बेसिकली इनको स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करना है सो दीज आर दीज आर द प्लेसेस वेयर द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट्स सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे सेशन आई होप यू लाइक द सेशन अगर कोई डाउट है प्लीज आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन एंड डिड यू लाइक दिस सेशन और नॉट जो भी आपके फीडबैक्स है प्लीज़ राइट देम इन द कॉमेंट सेक्शन सो आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है